मंगल अक्षत को तुम लेने आती हो ना, तुम क्यों नहीं आई? आपने कहा था ना अदिति कि आप स्कूल आएंगे। वो तो गणेश जी की कृपा से मैं यहाँ से जा रही थी, वरना आज पता नहीं क्या होता। पागल हो एक तुम। अदिति आप अक्षत को स्कूल लेने क्यों नहीं आए? लेने आई थी। कौन गंदी आंटी? एक औरत इसे पकड़ के ले जा रही थी, वही भाग गई। यहाँ स्कूल के पास बहुत से बच्चों की चोरी होती है, आप ध्यान दें। आप स्कूल में क्यों नहीं आए? गल अक्षत को तुम लेने आती हो ना, तुम क्यों नहीं आई? आपने कहा था ना अदिति कि आप स्कूल आएंगे, मैं चली जाऊँ लक्ष्मी के पास। हमने तो कहा था। अदिति आप अक्षत को स्कूल लेने क्यों नहीं आए? वो तो गणेश जी की कृपा से मैं यहाँ से जा रही थी, वरना आज पता नहीं क्या होता। पागल हो एक तुम। Hi, this is Naman Shaw and you're watching Telly Reporter. Well, मैं एकदम टाइम पर आया हूँ बिकॉज जैसे ही मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि अक्षत अकेला है, मैं भाग कर यहाँ आया हूँ। बाद में पता चलता है कि सौम्या ने एआई के मदद से मंगल को फ़ोन किया आदित्य की आवाज़ में और कहा कि आज तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, अक्षत को पिकअप करने की मैं पिकअप कर लूँगा। और इसलिए मंगल जो है वो लक्ष्मी के साथ निकल गई और अक्षत यहाँ अकेले रह गया स्कूल में, और कोई आकर उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा है कि हम लोग भी वहाँ टाइम पर पहुँच गए गाड़ी से, और उसी वक्त मंगल पहुँच गई और उस लेडी से बचा लिया अक्षत को। बट एज अ फादर मैं तो टाइम पर पहुँच गया था। अब सारा कांड सौम्या का किया हुआ है, और पर मंगल भी टाइम पर पहुंच गई। और देयर इज़ अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन मंगल एंड आदित्य। अब मैं उससे ये कह रहा हूँ कि तुम क्यों नहीं पहुंची, वो मुझसे ये कह रही है कि मैं क्यों नहीं पहुंचा। अब घर जाकर पता चलेगा। आगे आगे हमें खुद पता नहीं चलता कि क्या देखने को मिलेगा। हर दिन आगे पता चलता है अच्छा ये नया ट्विस्ट है। अब आगे को शायद गणपति का कुछ वो है एपिसोड में, जब हम गणपति घर पर लेकर आ रहे हैं, तो वही सब की तैयारियां चल रही है अभी। यही देना चाहेंगे कि इसी देखते रहिए मंगल लक्ष्मी हर दिन रात 9 बजे कलर्स पर, और देते रहिए खूब सारा प्यार।